ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी एवरीडे लाइफ में होने वाले इफेक्ट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हमारी एवरीडे लाइफ में होने वाले दो इफेक्ट्स की हम यहां पर स्टडी करेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन, आपने आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे रस्टिंग का प्रोसेस देखा, आयरन की जो एक ऑब्जेक्ट है उस पे रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर, एक लेयर बन जाती है। अगर आयरन ऑब्जेक्ट को ओपन एयर में, ह्यूमिड एयर में लॉन्ग टाइम पीरियड तक छोड़ दिया जाए, सेम इसी तरीके से आपने कॉपर के जो कंटेनर है, जो कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का है, उसके कंटेनर में आपने एक ग्रीन कलर की लेयर्स देखी होगी। सेम इसी तरीके से सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स है, जो ऑर्नामेंट्स है, उन पे आपने आफ्टर सम टाइम एक ब्लैक कलर की लेयर्स देखी होगी। ये सभी मेटल्स के कोरोजन का रिजल्ट है। अब आयरन एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली मेटल है, तो इस आयरन का जो कोरोजन है, जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं, इससे एवरी ईयर बहुत ज्यादा आयरन जो है वो डैमेज होता है इस रस्टिंग या कोरोजन के प्रोसेस से। तो आगे के चैप्टर्स में हम स्टडी भी करेंगे कि कैसे इन आयरन ऑब्जेक्ट्स की रस्टिंग को, कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को। तो ये एग्जांपल है मेटल के कोरोजन, आयरन की रस्टिंग है कॉपर का ग्रीन कलर, कॉपर के कंटेनर पे ग्रीन कलर की लेयर्स का बनना है, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स का ब्लैक कलर में चेंज होना है। ये सभी एग्जांपल है किसके, कोरोजन के। कोरोजन में मेटल अपने, क्योंकि मेटल्स रिएक्टिव है, तो मेटल्स अपने सराउंडिंग में गैसेस से, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी से रिएक्शंस करके और स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स में चेंज होती है, इसी को हम मेटल्स का कोरोजन कहते हैं। मेटल्स में जो आयरन का कोरोजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन एक यूजफुल मेटल है। इस आयरन के कोरोजन में, रस्टिंग में, आयरन की रिएक्शन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से और वाटर से, ह्यूमिडिटी से होती है, और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में इस पर रस्ट बन जाता है, और ये रस्ट ग्रेजुअली आयरन ऑब्जेक्ट जो है, रस्ट जो होगा वो आयरन की सब्जेक्ट, जो आयरन की सरफेस से रिमूव होगा, फिर आयरन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी के कॉन्टेक्ट में आएगी, फिर उसकी रस्टिंग होगी, तो ग्रेजुअली आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो वीक होती चली जाती है। तो इस आयरन के कोरोजन या प्रिवेंटिंग, कोरोजन या रस्टिंग के प्रिवेंटिंग के लिए आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऑयल, ग्रीस या वॉर्निश पेंट अप्लाई करते हैं, जिससे आयरन की ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एटमोसफियर में ह्यूमिडिटी और एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाए। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस भी है, जिससे जिंक का एनविलोपन करते हैं आयरन की ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और एलोइस बनाकर भी हम आयरन ऑब्जेक्ट की रस्टिंग या कोरोजन से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है रेंसिडिटी। कोई भी आपने फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमने ओपन छोड़ रखा है, उसका जब आप टेस्ट या स्मेल जब आप लेते हैं, तो उसको, उसका टेस्ट या स्मेल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट जो है वो भी खराब हो जाता है, उसकी स्मेल जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो एक्चुअल में ये इन फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल का होने वाला ऑक्सीडेशन है, जिसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो ऑयली और जो फैट कंटेनिंग मटेरियल है, उनका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके उनके टेस्ट और स्मेल का चेंज होना रेंसिडिटी है। तो ये जो रेंसिड फूड मटेरियल है वो यूजलेस हो जाते हैं, ईटिंग फॉर्म में हम उनका यूज नहीं कर पाते। तो आपने देखे होंगे चिप्स वगैरह जो एक्सपायरी डेट जिनकी निकल चुकी है, उनका अगर हम टेस्ट या फूड लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल चेंज दिखता है, ये एक्चुअल में उनकी रेंसिडिटी, उनके ऑक्सीडेशन का एक रिजल्ट है। तो क्या किया जाए, अब इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ केमिकल्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं, जिससे इन फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन या इनकी रेंसिडिटी नहीं हो पाती।
आपने ये भी देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के जो पैक है, इन पैक्स के अंदर एयर नहीं भरी होगी, इनमें एक इनर्ट गैस नाइट्रोजन फिल की होगी, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की बजाय हम एयर को यूज करेंगे उन चिप्स के अंदर, चिप्स के जो पैकेज है उनके अंदर अगर हम एयर को फिल करेंगे तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो इन फूड आइटम्स का, चिप्स का क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन या इनकी रेंसिडिटी कर देगी। तो इस रेंसिडिटी या उनके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए इनर्ट गैसेस में से नाइट्रोजन गैस जो है उसका यूज इन चिप्स में, चिप्स के पैकेज के अंदर, चिप्स के साथ में इन्हें डाला जाता है, फिल किया जाता है। तो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर दो एग्जाम्पल, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के हैं, मेटल्स का कोरोजन एंड जो फूड फैट और ऑयली जो फूड आइटम्स है उनका ऑक्सीडेशन मीन्स रेंसिडिटी।